यहाँ पर कागजों में तो 125 करोड़ से अधिक भारतीय है, लेकिन भारतीयता कितनों में है ये मेला दिखाता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है व्लॉग ऑन विद प्रशांत। एंड अभी समय हो रहा है सुबह के 4 और मैं खड़ा हूँ इस वक्त बिराना रोड की गलियों में यानी कि कानपुर में। और प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं कुंभ प्रयागराज। ये ट्रिप एकदम सडनली बन गई क्योंकि मैं यहाँ पर आया था कानपुर में, तो मुझे लगा कि पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक ये अच्छा टाइम है, कुंभ भी चल रहा है प्रयागराज में और यहाँ से 4 घंटे की जर्नी है बाई बस या कार आप जाते हो। तो बस अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। साथ में शांतनु है, आ गया है ये भी। कैब बुक कर दिया तुमने? जी, कैब बुक हो चुकी है। फटाफट जैसे कैब आती है हम यहाँ से निकलते हैं और बस साथ में बने रहो, आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली हम आ गए हैं कुंभ प्रयागराज 2019 का कुंभ देखने के लिए। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, जाति और संप्रदाय का खुले हाथों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये विविधता और भिन्नताओं से भरा हुआ देश है। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है पृथ्वी पर होने वाला सनातन यानी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व कुंभ मेला। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे निकलने वाले अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और इन्हीं स्थानों पर इस महापर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे हर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी विशालता की बात करें तो आपको बता दूं, ये पृथ्वी पर होने वाला एक लौता ऐसा पर्व है जिसकी शोभा अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। लेकिन अगर आपको इसकी भव्यता को महसूस करना है तो एक बार तो यहाँ आना ही पड़ेगा। 89 से कुंभ मेला इस धरती पर करते आए हम, और हर मेला का आयोजन अपने आप में दिव्य ही होता है और भव्य भी होता है। तो ये त्रिवेणी के तीर्थ में इसमें 12 साल बाद कुंभ लगता है और 6 साल के बाद अर्ध कुंभ भी लगती है। कहते हैं कि 12 साल में कुंभ आता है। यहाँ तो हर वक्त ही कुंभ है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती बह रही हो, वहाँ तो कुंभों का ढेर लगा हुआ है। जड़ी अपनी मन की जड़ी वृत्ति है वो परमात्मा के चरण में जुड़ती है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जगते रहे उदास, तीर्थ न्यो कहे कब आवे हर साल। जन्म जन्म जतन कराई अंतराम कहावत नहीं। जब आपको नहीं मिले तो हमको कहाँ भगवान मिलेंगे। या भगवान को पाने के लिए या भगवान हर भेष में घूम रहे हैं, ना जाने किस भेष में बाबा नारायण मिले, जिसे आप नारायण मिल गए। तो जो यहाँ निर्मलता से आएगा उसे परमात्मा की भी प्राप्ति होगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी रूट से आए होंगे, किसी भी मार्ग से आए होंगे, आपको स्वयं अनुभूति हो चुकी होगी कि ये कुंभ मेला विशेष रूप से पूरे विश्व को एक आध्यात्मिक संदेश दे रहा है कि आइए और जागिए, अपने आप को बदलिए। विश्व के 58 देश हैं। कौन सा इस्लामी देश ऐसा है जहाँ ऐसे तरह से कोई घूम फिर सकता है। शांति का संदेश भारत भूमि से ही, अखंड सनातन भूमि है ये। अब भारत तो किसी ने नाम रख लिया कि कोई राजा भरत हो गया, उसके नाम से भारत। यहाँ पर जो अपने अपने आचरण में रत रहते हैं, अपनी सभ्यता में रत रहते हैं, अर्थात लीन रहते हैं, वो भारत है, वो भारत का रहने वाला भारतीय है। यहाँ पर कागजों में तो 125 करोड़ से अधिक भारतीय है, लेकिन भारतीयता कितनों में है ये मेला दिखाता है कि ये भारतीयता है। हर हर महादेव। ये है सेक्टर 4 नंबर अखाड़ा। यहाँ पर पूरे इंडिया से, भारत से लोग दूर दूर से आते हैं। जितने भी साधु महात्मा लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। सबके लिए अलग अलग डिवीज़न किया गया है। जैसे ये है सेक्टर 4, 40-45 किलोमीटर्स का पूरा दायरा है जिसमें ये पूरा मेला लगता है। 48 किलोमीटर्स के दायरे में 20 सेक्टर बनाए गए हैं। तो ये सारे 20 सेक्टर आप एक दिन में तो नहीं घूम सकते, लेकिन जो मेन जगह हैं, जैसे सेक्टर 4 है, यहाँ पर अखाड़े हैं, बाबा लोग के अखाड़े हैं। उसके बाद सेक्टर 6 में किन्नर अखाड़ा है, वो भी बहुत फेमस है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं देखने के लिए। और सेक्टर 20 जो है वो है टेंट सिटी, जो इस बार का सबसे बड़ा एक प्रयागराज कुंभ में व्यू पॉइंट है, जिसे आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव टेंट्स हैं वहाँ पर, जिनकी शुरुआत 11,000 से लेकर 40,000 रुपये एक रात की है। तो अभी इस वक्त हम हैं निर्मल अखाड़ा। जैसे बहुत सारे अखाड़े यहाँ पर बने हुए हैं सेक्टर 4 में, वैसे इस जगह का नाम है निर्मला पंचायती अखाड़ा। संत बाबा महिताप सिंह जी महाराज। अच्छा, कनखल हरिद्वार है। अच्छा, कनखल हरिद्वार ये इनका मुख्यालय है, जहाँ से ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ केवल एक सबसे बड़ी विशेषता जो है, इस अखाड़े में आपको कोई नशा करते हुए नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सख्त मना है, जो कि यहाँ से बाहर निकलते हैं बहुत जगह देखा जा सकता है कैसा होता है। जी जी जी, हम सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हो? हम लंगर पानी चढ़ाते हैं जहाँ पे आते हैं लोग। एक दिन में 2000 का खाना बनाते हैं। 2000 लोग का खाना बना देते हो एक टाइम का? और कितने लोग मिलकर बनाते हो? 20 लोग है। पढ़ाई करते हो? हाँ, जाते हैं। छुट्टी लेकर आए हो? हाँ, छुट्टी लेके आए हैं। सब प्रभु कृपा से चल रहा है, गुरु नानक देव जी की कृपा से चल रहा है। ये लंगर की जो सेवा है वो नानक देव जी की है। उन्होंने 20 रुपए से लंगर चलाया था, और वो बरकत आज हमारे, आप जो पूछते हो कहाँ से आता है, ये उन्हीं की कृपा से बराबर आता है और चलता है। जैसा कि हर गुरुद्वारे में होता है, वैसे यहाँ पर भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही एक माहौल बना रखा है। जो भी आता है बिना कुछ पैसे दिए यहाँ पर रुक सकता है, रेस्ट कर सकता है और लंगर भी चख सकता है। पूरे इस कुंभ में एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ पर शुद्धता का बहुत ध्यान रखा गया है। और अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा लंगर चखेंगे, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो इस बार एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पर, यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद ही कोई फोर्स नहीं होगी यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस बार। और सफाई के साथ साथ सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। जी, और इतनी साफ़ सुथरी व्यवस्था की गई है। तो कचरा कृपया हाँ डब्बे में डालें। हाथ धोने का केंद्र किधर है? तो ये है कुंभ का त्रिवेणी संगम। 3 नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। वैसे 2 नदियाँ यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं, गंगा और यमुना, लेकिन सरस्वती जो तीसरी नदी है वो दिखती नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस जगह पर नहाने के लिए, इस जगह को देखने के लिए, इस जगह को एक्सपीरियंस करने के लिए। एक्चुअली अभी भीड़ कम है क्योंकि अभी स्नान नहीं चल रहा है। अगर स्नान चल रहा होता, यानी कि जो जिसको शाही स्नान बोलते हैं, वो अगर वो चल रहा होता तो शायद यहाँ पर पैर रखने की भी जगह ना होती। और अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ से बोट पकड़ते हैं और चलते हैं बीच में, संगम के बीच में, बेसिकली जहाँ पर संगम है। भाई साहब जरा जल्दी करेंगे आप, जैकेट खोलेंगे? भाई बहुत नाव हिल रही है, बहुत ज़्यादा मेरी चोक लेते हुए लड़के ने मेरे को लाइफ जैकेट पहना दी। पानी इतना गहरा है ना भाई साहब, सबको पहनना ज़रूरी है लाइफ जैकेट। तो अगर प्रयागराज कुंभ में आते हो तो संगम तो आना ही है, संगम ज़रूर आना। और एक बार ये बोट में ज़रूर बैठना आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो कुछ और ही है। देखो, एक और एक्टिविटी है जो यहाँ पर आके कर सकते हो। 30 रुपए के पाउचेस आते हैं छोटे छोटे, जिसमें बर्ड्स का खाना होता है, वो लो। और ये देखो, साइबेरियन बर्ड्स का मज़ा लो। Oh! आओ आओ त्रिवेणी संगम आ गए। त्रिवेणी संगम आ गए हैं। ये यमुना है और ये गंगा नदी है। इस तरफ से गंगा नदी है। तो यहाँ पर ही दोनों मिलती है। वो जो कलर चेंज होता है ना नदियों का, दो कलर के वाटर अलग अलग दिखते हैं आपको, एक हरा और एक मटमैला पानी। हाँ, हाँ। और तीसरा नदी नहीं दिखता है, तीसरा गुप्त है जिसको सरस्वती नदी बोलते हैं। हाँ, वो गुप्त है, लुप्त है। लुप्त है, गुप्त है, लुप्त है, लुप्त। अच्छा देखिए देखिए कलर पानी, देखिए देखो बह रहा है पानी। हाँ बह रहा पानी, ये देखो। तो इस पानी को जरा एक बार छू लिया जाए। नमो नमो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे। गंगा जमुना सरस्वती पाप न रहिए कवरती। हर हर गंगे। फाइनली हमारा अर्थ कुंभ 2019 का जो एक छोटा सा सफ़र था वो ख़त्म हो गया है। तो एक दिन में तो एक्चुअली देखा जाए तो नहीं घूम सकते, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है ये। घूमते जाओ, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब होगा। आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ में एक बार तो आना ही चाहिए। 24 घंटे का समय लेकर मैं यहाँ पर आया था और जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो कुछ कमेंट्स भी करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें बताओ कैसा लगा है वीडियो। और कुंभ में अगर आप आए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा तो बहुत अच्छा रहा। अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो, कमेंट करके हमें बताओ। और ये यात्रा यहीं पर ख़त्म हो गई है। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं। Thank you so much for watching this video and see you soon in the next vlog. Bye bye, take care, love you all. मैं श्री गोवर्धन परिक्रमा बड़ी गोवा पर बाबा बीच में बोलो तो शांति से बैठो या मुझे हम चला जाता है। ओ ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। क्या बात है, ये नशा में धुत है मेरे महात्मा जी। यह परियों की नगरिया तू देख लंबुआ। लेकिन उसका भी एक अलग ही आनंद है, अलग आनंद है।